जैसे जैसे गाजा में इजरायली सेना भीषण हमले कर रही है, वैसे वैसे हमास उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए इजरायली बंधकों की जान की धमकी दे रहा है। हाल ही में हमास के प्रतिनिधि ओसामा हमदान ने कहा था कि रफा के भीतर इजरायली सेना जितना लंबा युद्ध खींचेगी उतना ही कम इजरायली बंधकों के जीवित रहने की संभावना रह जाएगी। मतलब यह है कि अगर इजरायल रफा के भीतर जंग नहीं रोकता है तो उसे एक भी बंधक जिंदा वापस नहीं मिलेगा, बल्कि हमास ने ये तक कह दिया है कि इजरायल को उनके शव तक नसीब नहीं होंगे। और अब इसी कड़ी में इजरायली सेना पर मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए हमास ने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो 28 साल के अलेक्जेंडर ट्रुफानोव का है, जो कि एक इजरायली ऑफिसर हैं। अलेक्जेंडर को 7 अक्टूबर 2023 के हमले वाले दिन अगवा किया गया था। हमास ने अलेक्जेंडर का जो वीडियो जारी किया है वो सिर्फ एक टीजर है, और इस वीडियो में उन्होंने इजरायली जनता को संबोधित करते हुए एक अहम संदेश दिया है। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि आप मुझसे मेरे और गाजा में दर्जनों कैदियों के साथ जो हुआ उसके बारे में सच्चाई सुनेंगे। आपको बता दें कि हमास का कहना है कि ये वीडियो सिर्फ एक झलकी मात्र है, वो इसका पूरा वीडियो अलग से जल्द ही जारी करेगा। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस वीडियो को लेकर कहा कि इसकी सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ये भी नहीं पता चला है कि ये वीडियो किस जगह और कब फिल्माया गया है। रॉयटर्स का कहना है कि ये वीडियो फिल्टर्स के साथ एडिट किया गया है और वीडियो का ऑडियो अलेक्जेंडर के चेहरे के बोल से मैच नहीं करता है। लेकिन इधर ये वीडियो रिलीज हो रहा था और उधर रफा में अल कासिम ब्रिगेड IDF के ऊपर कहर बरपा रही थी। दरअसल रफा के अल शाउत कैंप में अल कासिम ने इजरायली सैनिकों को एक बूबी ट्रैप में फंसा कर उड़ा दिया। इसके अलावा अल कासिम के लड़ाकों ने यापना कैंप में IDF के ऊपर मोर्टर गोले तक दागे हैं, और इसी दौरान अल अलामी एरिया में IDF के मरकावा टैंक पर भी अल यासीन 105 गोलों से हमला किया गया है। हमास ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हमास का एक लड़ाका घर के भीतर छिपकर सामने से जा रहे इजरायली टैंक पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देता है, जिसमें जोरदार धमाका होता है, और इसके बाद हमास का एक लड़ाका पेड़ों के बीच छिपकर दनादन रॉकेटों की बरसात कर देता है। और इसी वीडियो में आगे दिख रहा है कि दूर से एक इजरायली सैन्य वाहन आ रहा है और उसके ऊपर हमास के लड़ाके फिर से रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं। بسم الله